जो स्ट्रेस का बेसिकली फर्क पड़ता है वो है हमारा, अब कि हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किस टाइप का होता है, स्ट्रेस के क्या इफेक्ट होते हैं। अब हम बेसिकली ये डील करेंगे कि हमें स्ट्रेस को सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली अब हम आएंगे सीधा टेक्निक्स, टेक्निक्स टू सॉल्व स्ट्रेस। तुम्हारे पास कई तरीके की टेक्निक होती है, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, और वर्कआउट, मेडिटेशन, और टाइम मैनेजमेंट। और असर्टिवनेस, तो अभी तक हमने जिन बेस पे वर्क किया वो होते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, अब हम सीधा वर्क करेंगे टेक्निक्स टू सॉल्व स्ट्रेस। तो बेसिकली अब हम बस उन वेज पे वर्क करेंगे कि जो हमारे क्या कहते हैं स्ट्रेस को हमें कोप करने में हेल्प करते हैं। तो हम बस सीधे स्ट्रेस पे वर्क करेंगे अब। तो स्ट्रेस पे वर्क करने के लिए हमारे पास मेन तरीका था, हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 3। हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेस के इफेक्ट्स पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, हमने स्ट्रेस को सॉल्व करने का तरीका पढ़ लिया। अब ये लास्ट कुछ टेक्निक्स हैं, ये किसी ने दी नहीं है, ये खुद की एक नेचुरल टेक्निक्स है जिनसे हम स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू सॉल्व स्ट्रेस। तो पहले है कि डाइट, अगर आप लोग डाइट अच्छी लो, अच्छा खाना खाओ, वो आपकी मसल्स में लगेगा, आपके माइंड को रिफ्रेश रखेगा, आपको अच्छी स्लीप आएगी, तो वो आपको सॉल्व करने के स्ट्रेस में काम करने आएगा। एक्सरसाइज करेगा इंसान, डेली वर्कआउट एक्सरसाइज करता है, उसके मसल स्ट्रेच होती हैं, तो मसल स्ट्रेच होती हैं तो वो भी एक स्ट्रेस बर्न करने का तरीका है। वर्कआउट ऐसा ही सिर्फ शरीर के लिए भी अच्छा रहता, दिमाग के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे एक इंसान को बुक पढ़ने से नॉलेज मिलती है, ऐसे बॉडी को एक्सरसाइज करने से इंपॉर्टेंस मिलती है। वर्कआउट है, इंसान वर्कआउट करेगा जितना ज्यादा स्वेट आएगा, वो स्वेट उसको गंदी चीजें बॉडी में से निकालेगा और उसको उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मेडिटेशन है, मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस है। इंसान साइलेंस में, पीस में मेडिटेट करेगा, उसकी मेडिटेशन में योगा होगी, योगा काम आएगी, उसे मेडिटेशन करेगा वो प्रॉब्लम रिलीव कर पाएगा अपनी, वो उसके स्ट्रेस रिलीव करने में आएगी। टाइम मैनेजमेंट, आधे लोगों का स्ट्रेस इस वजह से होता है कि लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, सुबह उठ के जल्दी जाना, फटाफट आना, एक टाइम पे कोई और चीज नहीं करना, टाइम पे खाना ना खाना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए सुबह उठने का, सुबह जागने का, रात को किस टाइम सोना है, क्या चीज फिक्स है, एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली टू दैट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल बनाइए एक चीज कि मुझे इस टाइम ये चीज बिल्कुल करनी ही करनी है, और आप फिर उस टाइम वही चीज करेंगे तो आपको बिल्कुल काम आएगी, तो वो टाइम मैनेजमेंट है। वेलबींग है कि जैसे कि आप अपना अच्छा खुद से ध्यान रखें, आप लोगों से प्यार से बात करें, लोगों से अच्छे से बोलें, तो ये सारे तरीके हमारे स्ट्रेस को बर्स करने में बहुत काम आते हैं। स्ट्रेस को हम डील करने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, स्ट्रेस को डील करने का बेस्ट तरीके ये होते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, टाइम मैनेजमेंट करें, असर्टिवनेस, असर्टिवनेस मतलब कि लोगों को मना करना सीखें, मना करना सीखें, बोल्ड बने, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, तुम एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम लाइफ में बिल्कुल बोल्ड बनो तो तुम लोगों को मना करना सीखो। अब हमारे पास स्ट्रेस कैसे आता है कि हमने कोई हमसे किसी ने कोई चीज पूछी और हम उस चीज को मना नहीं कर पाए, फिर हमने उसे चीज दे दी, हम भी टेंशन में आ गए कि हमने उसे क्यों दी, फिर वो टेंशन स्ट्रेस बन गया। तो असर्टिवनेस लानी चाहिए, हमारे अंदर मना करने का भी क्षमता होनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं देनी, या ये चीज मैं नहीं दे सकता, ये चीज मैं नहीं कर सकता, इस चीज में मेरा मन नहीं है। तो उससे क्या है, आप साफ डिसीजन लेके आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस को डील करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, वेलबींग, जितने भी ये बेस्ट वेज हैं आप इस पर वर्क कर सकते हैं। स्ट्रेस को बेस्ट डील करने का तरीका ये है, आप अपना खुद का ध्यान रखें, आप अपनी डाइट अच्छी लीजिए, आप उस चीजों पर वर्क करें, वेलबींग अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। तो हमने स्ट्रेस पर एकदम रिवाइज करते हैं एक बार,
स्ट्रेस होता है कि आपका पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एक इवेंट की तरफ जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स करता है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। स्ट्रेस भी दो तीन तरीकों का होता है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, तीन तरीकों का स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं, इंसान सोच नहीं खाता, खा नहीं पाता ढंग से, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। बिहेवियर इफेक्ट्स होते हैं, इंसान ड्रिंक करना शुरू कर देता है, लोगों से बदतमीजी शुरू करना कर देता है। फिर स्ट्रेस को डील करने के लिए हमारे पास गैस था, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, वो सेले ने दिया था। उसमें भी तीन चीजें थी, अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉस्टन स्टेज। उसके बाद हमने कोपिंग पढ़ा, कोपिंग का मतलब था डीलिंग विद स्ट्रेस। डीलिंग विद स्ट्रेस से हमने वो किया कि हम स्ट्रेस से डील कैसे करते हैं। उसके बाद ये टेक्निक्स हैं टू सॉल्व स्ट्रेस, ये सिर्फ 5-7 नहीं, ये बहुत टेक्निक्स है, इसमें आप कोई सी भी टेक्निक यूज करते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट और असर्टिवनेस, ये बहुत जरूरी टेक्निक्स है आपको स्ट्रेस सॉल्व करने के लिए। आपके लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है ये आप सॉल्व कर सकते हैं उस चीज से। और वेलबींग, आपका वेलबींग, वर्कआउट, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप इससे स्ट्रेस को जितना बहुत सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस इज बेसिकली जो तुम्हारी टेंशन है दिमाग में, वो आपका बेस्ट वर्कआउट हो सकता है और वो बेस्ट बर्स्ट हो सकता है इस चीज से। तो बेसिकली वेलबींग, मेडिटेशन, वर्कआउट, एक्सरसाइज, और डाइट, इन चीजों से आपको वर्क करने के लिए बहुत जरूरी स्ट्रेस चाहिए होता है। स्ट्रेस वो अच्छी चीज है जिससे आप वर्कआउट कर सके और बिल्कुल बोल सके क्लियरली, तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ शुरू होता है हमारा टॉपिक, ये चैप्टर 3 विच इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस साइकोलॉजी का, क्लास 12th एनसीईआरटी का खत्म होता है। और हम यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये बेसिकली लास्ट हमारा टॉपिक था, टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। सो थैंक यू, नाउ द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th साइकोलॉजी इज ओवर एंड दीज आर ऑल द टेक्निक्स ऑफ रिजॉल्विंग स्ट्रेस।